जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल ये दो ग्रुप देखे थे इसके अलावा और भी कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं आज हम दो बेसिस डिस्कस करेंगे जिस बेस पर हम एनिमल को क्लासिफाई कर सकते हैं एक तो हम देखेंगे कि बॉडी सेमेट्री की बेस पर एनिमल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है और दूसरा हम देखेंगे कि बॉडी कैविटी की बेस पर एनिमल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है तो देखें कहता है एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू बॉडी सिमेट्री यानी एनिमल को उनकी बॉडी सिमेट्री यानी बॉडी की जो प्रोपोर्शन होता है उसकी बेस पर भी जो है वो डिवाइड किया जा सकता है तो, तो यू मेट्रोज किंग, सब किंगडम है

उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है एक रेडिएटा और एक बायलेट्रा तो अगर मैं सिंपल बात करूं तो रेडिएटा वो एनिमल हैं रेडिएटा आर दो एनिमल दैट हैव रेडियल सिमेट्री यानी इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है रेडियल होती है और बायलेट्रा वो होते हैं जिनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है हैव सिमेट्री और बाइलेट्रा वो हैं जिनकी बॉडी की सिमेट्री क्या होती है बाइलेट्रल होती है अगर हम सिंपली देखें कि रेडिय, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स और बायोलेट्रल सिमेट्रिकल एनिमल में अगर थोड़ा सा फर्क देखें तो इधर देखो मिसाल के तौर पे अक्सर जो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं वो रफली सर्कुलर स्ट्रक्चर होती हो। है वो कैसे होते हैं रफली ऐसे सर्कुलर होते हैं मिसाल के तौर पे अगर ये सी एनिमोन है और सी एनिमोन का मैंने ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया तो इसकी बॉडी कैसी है ये सर्कुलर है तो अब अगर मैं इसको इस प्लेन से डिवाइड करूंगा तो भी इसके इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा मैं अगर इसको इस प्लेन से डिवाइड करूं तो भी इक्वल पार्ट होगा यानी इसको इस प्लेन से डिवाइड करें तो भी इक्वल पार्ट है इस प्लेन से डिवाइड किया तो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल और ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं ग्रुप रेडिएटा से लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक एनिमल ड्रा करता हूँ अगर सिंपली मैं इधर ऐसे एक लेजर ड्रा कर रहा हूं मैं यहां पर एक लेजर ड्रा करता हूं रफली सिंपली मैंने एक लेजर ड्रा किया गया तो अब देखें अगर मैं इस लेजर को डिवाइड करूं तो मैं अगर इसकी सेंट्रल लाइन से इसको ऐसे डिवाइड करूं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है मतलब मैंने इसको सेंट्रल लाइन से ऐसे डिवाइड किया तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई है और सिर्फ एक ही प्लेन से ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है मैं किसी और प्लेन से इसको डिवाइड करना चाहूं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो एक ही बॉडी प्लेन से सिर्फ क्या हो रही है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है ऐसे एनिमल जो एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं बाइलेट्रल सेट्रिकल एनिमल और ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं ये बाइलेट्रा से जो है वो ताल्लुक रखते हैं अब देखें इसके मिरर इमेज हो गए दोनों ये ह्यूमन को भी अगर आप देखें तो ह्यूमन को भी आप इससे टू इक्वल के ना लेफ्ट और राइट right साइड वाला हमारा अगर सेंटर में से डिवाइड करें ना तो लेफ्ट और राइट right वाला साइड बिल्कुल क्या होगा इक्वल होगा इसके अलावा अगर आप किसी प्लेन से डिवाइड करोगे तो इक्वल बॉडी प्रोपोर्शन या इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे तो हम भी किस में आ जाते हैं हम भी आ जाते हैं बाइलेट्रल सिमेट्रिकल एनिमल के ग्रुप में अब इधर देखें चलें देख लेते हैं कि आपकी बुक जो है वो क्या कह रही है ग्रेड रेडिएटा के बारे में इट इंक्लूड ऑल एनिमल विद रेडियल सिमेट्री यानी ग्रेड रेडिएटा में कौन से एनिमल्स आते हैं इसमें वो तमाम एनिमल्स आ जाते हैं विच हैव रेडियल सिमेट्री जिनकी भी रेडियल सिमेट्री होगी वो किसमें आ जाएंगे ग्रेड रेडिया में हैविंग अ टॉप एंड बॉटम यानी ये जो एनिमल्स होते हैं इनका एक टॉप होता है और एक क्या होता है बॉटम होता है मिसाल के तौर पे अगर मैं ये सी एनिमोन ड्रा करूं ये सी एनिमोन है इसका ये ऊपर वाला क्या है ये इसका टॉप है और ये इसका क्या है ये इसका बॉटम है इसी तरीके से अगर आप जेली फिश को ड्रा करो तो जेली फिश का भी एक टॉप है और एक क्या है ये बॉटम है तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनका टॉप होता है और क्या होता है बॉटम होता है इसके अलावा एंड सिमिलर बॉडी पार्ट आर अरेज एज ए स्पॉक रेडिएट फ्रॉम फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी एक्सेस मतलब कहता है कि ज्यादातर मैंने आपको बताया है कि ये एनिमल जो है वो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये ज्यादातर इनकी शेप जो है सर्कुलर होती है और अगर हम इनका एक जो सेंट्रल एक्सिस है अगर ये सर्कल का जो ये सेंटर है अगर हम इस सेंटर से जो है वो रेडिएट या स्पोक्स जो है वो फ्रॉम द सेंटर से लें ऐसे स्पोक इस एक ये लिया मैंने एक ये लिया एक ये लिया ऐसे अगर मैं लेता जाऊं तो ये क्या होगा ये तमाम के तमाम इसके जो पार्ट्स होंगे वो कितने बहुत सारे ऐसे इक्वल पार्ट्स में हम इसको क्या कर सकते हैं डिवाइड

अगर इस सर्कल का ये सेंटर है और सेंटर से जो आप इसके तक जो लाइन लेके जाते हो उसको कहते हैं रेडियस तो इसी तरीके से अगर इसके सेंटर से बहुत सारे आप ऐसे रेडियस निकालो तो वो क्या है वो इक्वल पार्ट में इस तरीके से बॉडी को क्या कर रहे हैं ये डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली सी एक बात सिंपल बात ये कह रहा है कि इनकी बॉडी जो होती है उसके पार्ट जो होते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं जैसे ये स्पोक्स हैं रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ द एक्सिस और सेंट्रल एक्सिस से वो क्या कर रहे हैं वो रेडिएट कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि एक व्हील होता है स्पेशली जो साइकिल का जो व्हील होता है उसमें जो रिंग्स होती हैं ऐसे ऐसे वो बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस से रेडिएट कर रही होती है इस तरह से इसके अलावा कहता है कि जेलीफिश जेलीफिश जो है वो वो, वो भी ग्रेड रेडिएटा के अंदर आ जाती है सी एनिमून भी किस में आ जाता है ग्रेड रेडिएटा में आ जाता है इसके अलावा कहता है जो रेडियल सिमेट्रिकल सिमेट्री इस एज फॉर लाइफ देखें ज्यादातर जो रेडियल एनिमल होते हैं जेलीफिश को छोड़कर बाकी ज्यादातर जो रेडियल सेमेट्रिकल एनिमल होते हैं, हैं चाहे वो हाइड्रा हो चाहे सी एनिमोल हो तो वो बेसिकली क्या होते हैं वो ज्यादातर सिसाइल होते हैं यानी जमीन के साथ अटैच होके रहते हैं अब देखो जब जमीन के साथ अटैच होके रहते हैं तो अब ये अपना फूड जो है वो कहाँ से लेंगे वाटर से जो वाटर उसके मुंह करता हुआ आ रहा है इनके करीब वहीं से अपना फूड लेंगे अब तो ज्यादातर इनकी जो बॉडी की सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है और आपको पता है रेडियल सिमेट्री में ज्यादातर शेप जो होती है हो, वो सर्कुलर होती है अब सर्कुलर शेप होने का फायदा क्या है देखो इसमें एक एडोप्टेशन है इनकी इसका फायदा क्या है इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है अडोप्टेशन फायदा क्या है देखो किसी भी तरफ से फूड आएगा ना चाहे वो फूड यहाँ से आ रहा होगा चाहे यहाँ से आ रहा होगा इनको चारों तरफ से फूड मिलेगा बायलेटरल में इस तरह से नहीं होता इनको चारों तरफ से जो है वो फूड मिलेगा यानी ये जो रेडियल सिमेट्री है इनकी इनकी एक तरीके से सिसाइल लाइफ के लिए क्या है ये है ये क्योंकि ये मुंह तो कर नहीं सकते तो, अब तो इनके करीब जो फूड आ रहा हो चाहे से फूड आ रहा होगा उसको भी इनको कैप्चर करना है चाहे यहाँ से फूड आएगा उसको भी क्या करना है इन्होंने कैप्चर जो है वो करना है तो चारों तरफ से अपने सरकम में जो है वो फूड को क्या कर सकते हैं कैप्चर कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एक ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री वो है बाइलेट्रा

रफली जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होता थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है तो हम रफली उसको जो है वो कितने टू इक्वल पार्ट में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं ऐसे और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे मिरर इमेज होंगे यानी अगर आप मिरर में यहां पर रखें तो ये दूसरा इमेज सेम इसी के तरीके का आ जाएगा तो इसके बाद कहता है द द द फ्रंट और एंटीरियर ऑफ ऑफ एनिमल जर्नली हैज हेड यानी इनका जो फ्रंट होता है ये जो इनका एंटीरियर पार्ट है यहाँ पर अक्सर क्या होता है, है. अक्सर एनिमल का यहाँ क्या होता है हेड होता है और ये जो नीचे वाला पार्ट है अक्सर पोस्टीरियर साइड यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर टेल होती है एक तरफ हेड होगा और एक तरफ क्या होगा टेल होगी तो अक्सर जो एनिमल्स होते हैं जो बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं उनमें एंटीरियर साइड पर हेड होता है और पोस्टीरियर साइड पर टेल होता है अक्सर क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के पास टेल नहीं है लेकिन दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होती है उनमें टेल होती है तो देखो हमने क्या बात कर ली अभी तक के जो एनिमल्स को अगर आप टिश्यू की बुनियाद पर डिवाइड करते हो तो दो ग्रुप में डिवाइड करते हो एक पेराजो जिनके पास कोई जो के बॉडी बो, टिश्यूज इनके पास नहीं होते और इनकी ये एसमेट्रिकल होते हैं इनकी बॉडी की कोई प्रोपोर्शन नहीं होती बॉडी की कोई शेप नहीं होती मिसाल के तौर पर यह एक एनिमल है अब मैं इसको ऐसे भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता ना ऐसे कर सकता पार्ट में तो ये में कोई की नहीं है ऑर्गन है, है, और और होते हैं फिर यू को फर्दर डिवाइड किया है एक रेडिएटा में और एक इसमें डिवाइड किया है बाई लेट्रा तो दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं जो किस पर बेस्ड करती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपॉन द टाइप ऑफ बॉडी कैविटी ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस कर रही है बॉडी कैविटी की बेस पर जो है वो क्लासिफिकेशन uh, की गई है तो कहते हैं एनिमल कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉडी कैविटी और सिलोम बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं सिलोम भी कहते हैं तो एनिमल को उनकी बॉडी कैविटी या सिलोम की बेस पे भी आप क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो तो सिलोम की बेस पर अगर हमें सबसे पहले तो हम सिलोम देख लेते हैं कि ये सिलोम होती क्या है देखो तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जब हम एनिमल डेवलप हो रहा होता है ना एनिमल की डेवलपमेंट के दौरान थ्री जर्म लेयर बनती हैं कितनी जर्म लेयर बनती हैं थ्री जर्म लेयर बनती हैं इस सबसे ऊपर में जो जर्म लेयर बना रहा हूं इसको हम कह देते हैं एक्टोडर्म इसको हम क्या कह देते हैं सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये व्हाइट कलर की जो है ये है एक्टोडर्म फिर एक्टोडर्म से नीचे जो मैं रेड कलर की ये लेयर बना रहा हूं ये हो गई मेसोडर्म जो रेड कलर में ये लेयर बना रहा हूँ ये है मेजोडम हो गई ये मेजोडाम और सबसे अंदर की तरफ में जो येलो कलर में लेयर बना रहा हूं ये कौन सी लेयर हो गई ये हो गई एंडोड्राम ट्रिप्लो जो एनिमल्स होते हैं जब वो डेवलप होते हैं तो डेवलपमेंट के दौरान बॉडी की ये तीन लेयर बनती है एक्टोड्राम मीजोडाम और एंडोड अक्सर जो ट्रिप्लो uh, एनिमल होते हैं उनमें ये जो मीजो होती है उनमें क्या है ये जो मीजो होती है ये सेंटर में से जो है वो स्प्लिट हो जाती है ऐसे बीच में से क्या हो जाती है ये ऐसे स्प्लिट हो जाती है और उसके बीच में एक कैविटी आ जाती है बीच में क्या आ जाती है एक ये कि फ्लूट फिल्ड कैविटी आ जाती है और इस फ्लूट फिल्ड कैविटी को हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी या इसको हम कहते हैं सिलोम कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ये मीजोडर्म एंडोडर्म और ये एक्टोडर्म जो है ये इसी फॉर्म में रहती हैं लेकिन जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें आपको पता ही एंडोडर्म तो हमारा गट बना लेती है एलिमेंट्री कैनाल बना लेती है मीजोडर्म से डिफरेंट ऑर्गन बनते हैं एक्टोडर्म से हमारी स्किन ब्रेन वगैरह बन जाते हैं ये चीजें बन जाती है अच्छा तो ये ये बॉडी कैविटी जो है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम सिलोम कहते हैं तो आपकी देखो आपकी बुक सिलोम को कैसे डिफाइन करिए आप फ्लूट फेल्ड स्पेस बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव टूब देखो ये जो येलो कलर और ये जो नीचे वाला जो एरिया है येलो कलर ये डाइजेस्टिव ट्यूब बना लेती है और ये जो ऊपर एक्ट्रोड्रम और मिजोड्रम ये ऊपर वाले ये बॉडी वॉल बना लेते हैं अब इनके बीच में ये जो बन गई है ये जो बीच में जो कैविटी आ रही है इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे बॉडी कैविटी या इसको हम सिलोम कहेंगे इस तरह से चले हम देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक ये सी एनिमो ये अर्थ फॉर्म है मिसाल के तौर पर ये क्या है ये अर्थ वॉर्म है अब अर्थ का मैं कहता हूँ कि ये जो रेड कलर से जो मैं येलो कलर में बना रहा हूँ अर्थ के ये इसका है एलिमेंट्री कैनाल ये इसका क्या है डाइजेस्टिव ट्यूब है ये इसकी क्या है ये येलो कलर में जो है इसकी है डाइजेस्टिव ट्यूब आपको पता है डाइजेस्टिव ट्यूब इसका डाइजेस्टिव ट्यूब एक तरफ एनस है और एक तरफ माउथ है डाइजेस्टिव ट्यूब आपको पता किससे बनी होगी ये बनी होगी इसकी एंडोडर्म से इसके अलावा ये ऊपर वाली फिर इसके अलावा ये जो मैं इसको रेड कलर दे रहा हूं ये ऊपर से ये इसकी क्या है ये इसकी बॉडी वॉल है ये इसकी क्या है बॉडी वॉल है जो कुछ एक्टोड्रम से बनी होगी और कुछ मीजोड्रम से ये इसकी बॉडी वॉल बॉडी वॉल को मैं रेड कलर दे देता हूँ अब ये देखें इसकी जो बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्यूब के दरमियान में ये जगह जहां मैं ये लिख रहा हूं ये वाली जगह बॉडी वॉल और ये जो डाइजेस्टिव ट्यूब है इसके दरमियान में ये जो कैविटी है इस कैविटी को हम क्या कहते हैं सिलोम या इसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी इसको हम क्या कह रहे हैं सिलोम या इसको हम क्या कह रहे हैं बॉडी कैविटी ये तो मैंने लॉन्गिट्यूडनल दिखाया है अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लू ऐसे तो ये इस तरह से नजर आएगा क्रॉस सेक्शन में सबसे बाहर जो है ये मिसाल के तौर तो पर इसको मैं कह देता हूं ये बॉडी वॉल है ये बाहर वाली क्या है इसकी बॉडी वॉल है और ये सेंटर में क्या है ये इसकी हो गई डाइजेस्टिव ट्यूब ये सेंटर में अब ये बॉडी वॉल और ये डाइजेस्टिव ट्यूब इसके बीच में जो ये कैविटी है फिल्ड पानी से भरी हुई कैविटी इसको हम क्या कहेंगे बॉडी कैविटी या इसको हम कहेंगे सिलोम सही है ना अब जिन एनिमल्स के अंदर ये बॉडी कैविटी या सिलोम होती है उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं सिलोमैट एनिमल कहते हैं इनको हम क्या कहते हैं सिलोमैट एनिमल कहते हैं है? है. अगर हम ह्यूमन की भी बात करें चलो तो ह्यूमन के अंदर भी आप इधर देखो ये आपकी डाइजेस्टिव कैविटी है ये सॉरी आपका डाइजेस्टिव ट्यूब है और ये आपकी चारों तरफ बॉडी वॉल है तो आपकी बॉडी में भी इस तरीके से ये कैविटी है और ये कैविटी क्या है सिलोंग उस कैविटी को हम क्या कहेंगे सिलोंग कहेंगे हमारे पास थोड़े कैविटी होती है एबडोमल कैविटी होती है नॉर्मली ये किस ना किस तरीके से सिलोंग से जो है रिलेटेड होती है अच्छा अब आ जाते हैं हम अगर हम एनिमल्स को जो है वो इन बॉडी कैविटी या सिलोम की बेस पर डिवाइड करें तो इनको हम तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं अगर हम इसको डिवाइड करें किसकी बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम तो तीन ग्रुप कौन कौन से हैं एक तो ग्रुप हो गया पहला ग्रुप ए सिलोमेट ऐसे ट्रिप्रोब्लास्टिक एनिमल जिसमें सिलोम होती ही नहीं है उनको हम कहते हैं ए सिलोमेड दूसरे वो एनिमल हैं जिनमें सिलोम होती है लेकिन वो ट्रू सिलोम नहीं होती तो उनको हम क्या कहते हैं सोडो सिलोमेट और वो एनिमल जिनमें ट्रू सिलोम मौजूद होती है उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं सिलोमेट तो सबसे पहले देख लेते हैं एसीलोमेट. तो कहता है इनकी ये डाइजेस्टिव ट्यूब है. ये क्या है डाइजेस्टिव कैटी इसको ये मैं ड्रा जो कर रहा हूं ये व्हाइट कलर की क्या है ये इनकी डाइजेस्टिव कैटी ये डाइजेस्टिव कैविटी है और ये बाहर की तरफ जो है इनकी ये जिसको मैं जो है वो रेड कलर से शो कर रहा हूँ ये क्या है ये इनकी बॉडी वॉल है ये डाइजेस्टिव कैविटी और ये क्या हो गई ये इनकी बॉडी वॉल हो गई और बीच में इनके क्या होता है बीच में फिल होता है इनके ये मिजोडर्म बीच में क्या है ये मिजोडर्म अब आप देखें इनकी डाइजेस्टिव कैविटी और बॉडी वॉल के दरमियान में कोई बीच में कैविटी नहीं है यानी डाइजेस्टिव कैविटी ये सेंटर वाली कैविटी कौन सी बस एक ही कैविटी और वो कौन सी है ये डाइजेस्टिव कैविटी इसके अलावा डाइजेस्टिव कैविटी की वॉल और बॉडी वॉल के दरमियान में आपको कहीं कोई बॉडी कैविटी नजर नहीं आ रही तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ए सिलोमेट सीलोमैड दी सॉलिड सॉलिडी फायर बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आप देखो ये मिसाल के तौर पे ये बाहर वाली रेड वाली जो है वो एक्टोडर्म है और ये जो व्हाइट वाली क्या है ये एंडोडर्म है अब देखें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में क्या सॉलिडिफाई क्या भरा हुआ है मीजोडर्म सेंटर में क्या है मीजोडर्म है और मीजोडर्म कहीं से भी स्प्लिट नहीं हुई है कि कोई बॉडी कैविटी बने तो इस वजह से इन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे इन एनिमल्स को हम कहेंगे ए सिलोमेट तो दोज एनिमल विच आर कार्ड ए सिलोमेट कार, और एक ही फाइलम ऐसा है एनिमल का जो कि ए सिलोमेट है और वो है प्लेटी हेलमेंथिस या आपने याद रखना है क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है किसका प्लेटी हेलमेंथिस का इसके अलावा कोई फाइलम ऐसा नहीं है जो क्या हो जो के एसिलोमैट हो सिर्फ फ्लैटफ्रॉम दिस जिसको हम कॉमनली कहते हैं फ्लैटफ्रॉम इन ये सिर्फ एसिलोमैट होते हैं इसके अलावा कोई दूसरा फाइल मेंट नहीं है तो ये बात आपने याद रखनी है इसके बाद दूसरे नंबर पर जो एनिमल का ग्रुप है वो है सोडोसिलोमेट यानी इनमें सिलोम होती तो है इनमें सिलोम होती है लेकिन ट्रू सिलोम नहीं होती देखो ट्रू सिलोम वो होती है जो मीजोड्रम के स्प्लिट होने से बनती है यानी मीजोड्राम दो पीसीज में जब टूटती है

म और नीचे जो है वो व्हाइट कलर की ले लेते हैं एंडोडर्म और ये क्या है ये एंडोडर्म और एंडोडर्म के अंदर ये डाइजेस्टिव ट्यूब है ये डाइजेस्टिव कैविटी है अब देखो यहां पर है सिलोम एक फाल सिलोम कौन सी वाली सिलोम है ये फाल सिलोम फाल सिलोम ऐसी सिलोम होती है जो एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान में बन रही है यानी जो अगर ट्रू सिलोम होती है मैं आपको बताता हूँ ट्रू सिलोम और सिलोम में आप कैसे फर्क करोगे अभी तो सिर्फ इतना याद रख लो कि ये जो सिलोम है वो किसके दरमियान में बन रही है मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में देखो यहाँ आपकी बुक क्या बता रही है सोडोसिलोमेट के बारे में इफ द बॉडी कैविटी डेवलप बिटवीन द मीजोडर्म एंड एंडोडर्म देखो ये, ये येलो कलर की मीजोडर्म है और व्हाइट कलर की क्या है एंडोडर्म इनके दरमियान में ये बॉडी कैविटी बन रही है तो ऐसी बॉडी कैविटी जो एंडोडर्म और मिजोडर्म के दरमियान में बनती है उसको हम सोडोसिलोम कहते हैं यानी फॉल्स कैविटी और एनिमल विद दिस टाइप ऑफ कैविटी आर कार्ड सोडोसिलोमेट और ये भी सिर्फ एक ही फाइलम है आपका ये नीमाटोर्स जिनको आप राउंड राउंड भी कहते हो उनमें ये जो है इस फाइलम के अंदर ये सोडोसिलोम होती है इसके अलावा दूसरे फाइलम में इस तरह से नहीं है हीमोसिल होती है उसके अंदर क्या कहते हैं आर्थ्रोपोर्ट्स के अंदर और कुछ मोलोसास में लेकिन इस तरह की सीडोसिलोम जो है वो कहाँ मौजूद होती है इसके अंदर नीमाटोर्स में होती है अब इसके बाद देखें सिलोमेट एनिमल कौन से होते हैं अब सिलोमेट एनिमल में इधर देखें मैं सिलोमेट एनिमल में सबसे पहले तो ट्रू सिलोम बना देता हूं अब उसमें सिलोमेट एनिमल में भी आपको पता है कि सबसे पहले बाहर की जो लेयर होगी वो कौन सी होगी वो होगी एक्टोड्रम ये रेड कलर की मैंने क्या बना दी इनमें ये एक्टोड्रम बना दी एक्टोड्रम के बाद फिर ये है मेजोड्रम ये मेजोड्रम है ये म हो गई आउटर मिजोड्राम हो गई और एक मिजो एक और मिजोड्राम है जो कौन सी है जो कि है इनर यानी अंदर की तरफ भी एक मिजोड्राम है येलो कलर का मटेरियल जो है ये मिजोड्राम है और अंदर की तरफ जो है वो डाइजेस्टिव ट्यूब के पास जो है ये है एंडोड्रम। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कैविटी बनी है ये कैविटी इस कैविटी के आउटर साइड भी मिजोड्रम है और इनर साइड भी क्या है मिजोड्रम है क्योंकि ये कैविटी जो बनी है वो किसके स्प्लिट होने से बनी है ये मीजोड्रम के स्प्लिट होने से बनी है और यही क्या है यही ट्रू सिलोम है इसी को हम क्या कहेंगे ट्रू सिलोम तो सिलोमैट uh, एनिमल कौन से होते हैं इफ द बॉडी कैविटी फॉर्म विद द विदोड्रम एंड इज कंप्लीटली लाइन बाय मीजो देखो ये जो बॉडी कैविटी है ये कंप्लीटली किससे लाइन अप हो रही है

सिलोमेट एनिमल और इस किस्म का जो सिलोम रखने एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं एनिमल एनिमल कहते हैं टू कॉर्डेट कॉर्डेट यानी से लेके जो है, तमाम जो तमाम वो किस में आ जाते हैं वो की कैटेगरी में आ जाते हैं यानी सबसे जो हाइस्ट जो है, सबसे ज्यादा जो फाइलम एनिमल्स के हैं वो कौन सी ग्रुप में आ रहे हैं वो सिलोमेट सिलोमेट के अंदर जो है वो आ रहे हैं तो देखें पेपर के अंदर आपसे जो है वो इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर किया जाए कि डिवाइड आप ये बता दोगेट की एग्जाम्पल में, दोगे, में आप दे दोगे क्या Nematodes, और सिलोमेट की एग्जाम्पल में आप दे दोगे एनिलीड से लेकेट फॉर्म हाँ इसके अलावा आपसे ये जो है ना क्या कहते हैं फिगर के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको सिर्फ ये फिगर बना के दे दी जाए ये वाली तस्वीर दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताएं कि ये किस एनिमल का क्रॉस सेक्शन है सिलोमेट का एसिलोमेट का या सोडोसिलोमेट का आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ आपको एक बॉडी कैविटी नजर आ रही है डाइजेस्टिव ट्रैक इसके अलावा कोई बॉडी कैविटी नजर नहीं आ रही तो ये क्या है ये ए सिलोमेट है ये तस्वीर आपको अगर दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये ए सिलोमेट है सोडोसिलोमेट है या सिलोमेट आप देखोगे सिलोम जो है वो एक्टोडर्म और मिजोडर्म के दरमियान एंडोडर्म सॉरी एंडोडर्म और मिजोडर्म के दरमियान में बन रही होगी तो आप बता दोगे की ये क्या है ये जो है वो, सोडो है वो सोडोसिलोमेट एनिमल और अगर आप देखोगे कि बॉडी कैविटी जो है वो मीजोडर्म दोनों तरफ होगी तो आपको हो गई ये सिलोमेट एनिमल है मतलब ये तस्वीर जो आपकी बुक में दी हुई है इन तस्वीरों को भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है इसकी लेबलिंग भी याद रखनी है क्योंकि आप जो पेपर का पैटर्न है अक्सर तस्वीर जो है वो दे देते हैं और उससे फिर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछते हैं इवन की आप ये हटा इसको करके जो है ना वो इस तरह से भी दे सकते हैं ए बी सी और आपसे कहा जाए इसको लेबल करो